एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं इस ब्राइडल लुक को क्रिएट करके दिखाऊंगी। मैंने खुद से एक ब्राइडल लुक क्रिएट किया है। ऐसा लुक मैं पहली बार ट्राई करने जा रही हूं और जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं सारे हैं 200 रुपीज़ के अंदर। सो बहुत ही अफोर्डेबल एक सेल्फ ब्राइडल मेकअप लुक रहेगा। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट के बिना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं अपने फेस पर एक ग्लो चाहती हूँ, इसीलिए मैंने गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर इस्तेमाल किया है। इससे मेरे पोर्स भी क्लोज हो जाएंगे और उसे मैं पुश कर रही हूँ। अपने लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए मैंने निविया का लिप बाम इस्तेमाल किया है। उसके बाद अपने स्किन को थोड़ा सा और ग्लोवी और ड्यूवी बनाने के लिए मैंने NYB का जो स्किनफिडेंट एजलेस सीरम है उसे इस्तेमाल किया है। और फिर मैंने NYB का प्राइमर इस्तेमाल किया है अपने पोर्स को हाइड करने के लिए और ताकि फाउंडेशन एकदम ईजिली ग्लाइड हो फेस पर। ब्राइडल मेकअप के लिए एक अच्छा सा बेस होना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बेस मेकअप पर इतना ज़्यादा फोकस किया है। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने इस्तेमाल किया है सारे 200 रुपीज़ के अंदर है। फिर मैंने ब्लू हेवन का एक अल्ट्रा अफोर्डेबल फाउंडेशन इस्तेमाल किया है। यह ब्लू हेवन वाटरप्रूफ फाउंडेशन सिर्फ 60 रुपीज़ का है। उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। NYB का जो कंसीलर स्टिक है, लिक्विड कंसीलर है, उसे मैं इस्तेमाल करूंगी। अपने अंडर आइज़ पर ज़्यादा इस्तेमाल करूंगी, आईलिड पर इस्तेमाल करूंगी और जहाँ पर मुझे हाइलाइटिंग इफेक्ट चाहिए वहाँ पर मैं इस्तेमाल करूंगी। अपने फिंगर की मदद से मैं उसे अच्छे से डैब करूंगी ताकि प्रोडक्ट का फुल पिगमेंटेशन मुझे मिले और पूरा चेहरा एकदम ब्राइटन अप हो जाए। ब्राइडल मेकअप के लिए ऐसे ब्राइट लुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने फेस को मैं बेक करने के लिए 2 या 3 मिनट तक एक लूज़ पाउडर अप्लाई करके छोड़ दूंगी। आपको बहुत सारे लूज़ पाउडर्स 200 रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगे। स्विस ब्यूटी का आई शैडो पैलेट मैंने इस्तेमाल किया है, उससे मैं अपने आईब्रोज को फिल इन करूंगी। सेम स्विस ब्यूटी पैलेट में से मैंने एक ट्रांजिशन शेड अप्लाई किया है अपने होल आईलिड पर और फिर मैंने एक डार्कर शेड को अपने क्रीज पर और आउटर कॉर्नर्स पर उसे मैं अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट एक फ्लैट ब्रश की मदद से मैंने इस रस्टी रेड कलर को अपने आउटर कॉर्नर्स पर और अपने सेंटर ऑफ द लिड पर अप्लाई किया है। लोअर जो लैश लाइन है वहाँ पर भी मैं सेम कलर को अप्लाई करूंगी। सारे कलर्स को अच्छे से मैं ब्लेंड कर दूंगी एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से ताकि कोई हार्श लाइन न रहे। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने एक कंसीलर को अप्लाई किया है, धीरे धीरे अपने इनर कॉर्नर से लेकर आउटर कॉर्नर्स पर, होल आईलिड पर अप्लाई किया है, लेकिन क्रीज से थोड़ा सा नीचे मैंने अप्लाई किया है। ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने कोई फास्ट फॉरवर्ड क्लिप इसमें नहीं ऐड किया है। तो आपको धीरे धीरे ऐसे करके कंसीलर को अप्लाई करना है। सेम कंसीलर ब्रश पर मैं मेकअप फिक्सर को स्प्रे करूंगी ताकि जो ग्लिटर मैं अप्लाई करूंगी वो इजीली स्टिक हो पाए ब्रश पर। फिर मैं ब्रश की मदद से जहां पर मैंने कंसीलर अप्लाई किया है अपने आईलिड पर वहां पर मैं लूज ग्लिटर अप्लाई करूंगी। यह है ब्लू हेवन का गोल्डन लूज ग्लिटर। ये 100 रुपीज़ में आता है, बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा चंकी ग्लिटर्स है इसमें, लेकिन ब्राइडल मेकअप के लिए ऐसे थोड़ा सा ब्राइटन अप लुक ही मुझे अच्छा लगता है। ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे इसीलिए मैंने एजेस पर थोड़ा सा रेड कलर अप्लाई किया है और ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट मैंने लैक्मी का इंस्टा लाइनर से एक अच्छा सा विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ करूंगी और मैं विंग थोड़ा सा लंबा रखूंगी बिकॉज ये एक ब्राइडल मेकअप है तो आईज ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है। नेक्स्ट मैंने फॉल्सीज ऑफ कैमरा अप्लाई किया है एंड लोअर लैश लाइन पर मैं सेम रेड कलर को अप्लाई करूंगी और अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए गोल्डन सेम ग्लिटर्स को मैं अप्लाई करूंगी। एक्सेस लूज पाउडर को मैं अपने फेस से रिमूव कर दूंगी। नोज को कॉन्टोर करने के लिए मैंने बॉन्जूर पैरिस का ब्राउन आई पेंसिल इस्तेमाल किया है। बहुत ही क्रीमी है, इजीली फिंगर की मदद से ब्लेंड कर दूंगी। 35 रुपीज़ में आ जाता है। नेक्स्ट ये जो स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट है मल्टीटास्किंग के लिए है। वहाँ से जो ब्राउन शेड है उससे मैं अपने फेस को कॉन्टूर करूंगी और ADS का जो पिंक ब्लश है उसे मैं एज अ ब्लश अप्लाई करूंगी। ये भी 100 रुपीज़ के अंदर इजीली मिल जाएगा। ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर इस्तेमाल किया है जो इजीली 200 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। फिर मेकअप फिक्सर को मैं अपने फेस पर पुश करूंगी एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से एंड उसके बाद मैं हाइलाइटर अप्लाई करूंगी ताकि मेकअप फिक्सर इस्तेमाल करने के बाद अगर आप हाइलाइटर इस्तेमाल करें तो उसका जो हाइलाइटिंग इफेक्ट है वो और भी निखर के आता है। ये है ब्लू हेवन का शिमर डस्ट। इसमें थोड़ा सा चंकी ग्लिटर्स है, लेकिन अगर आप लोग एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इस तरह डैब करें तो एक्सेस जो ग्लिटर्स है वो रिमूव हो जाता है और एक अच्छा सा शाइन आपको मिलता है जो ब्राइडल मेकअप के लिए परफेक्ट है। अपने होल लिप्स पर मैं एक
लिप लाइनर को अप्लाई करूंगी। यह है रेड कलर का लिप लाइनर ग्लैम 21 का, और उसके बाद एनवाईबी का जो रेड लिपस्टिक है उसे मैं अप्लाई करूंगी। ये इजीली आपको 100 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा।